हिंद स्टूडेंट्स वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अकेडमिक अड्डा। स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई का जो प्रैक्टिस सेट है उसके एमसीक्यूज वाला पार्ट लेके आया हूँ। उसके जो 20 MCQs हैं जो बहुत अच्छे हैं अपने आप में। अगर ऐसा पेपर अगर आता है ना तो फिर ये समझ लीजिए कि बच्चों की हालत खराब होने वाली है। अगर ऐसा पेपर आता है तो सीबीएसई अगर ऐसा पेपर डालता है तो बहुत ही अच्छा पेपर बनेगा ये, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम आपके पास बचा नहीं है बच्चों। मात्र लगभग अप्रोक्स 15 दिन बचे हुए हैं, तो बच्चों आप लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपके मार्क्स नहीं आएंगे और आपके माँ बाप के जो सपने हैं ना वो सब बेकार हो जाएंगे। तो बच्चों पढ़िए अच्छे से, ठीक है, और हम आपको प्रैक्टिस सेट पूरा कराएंगे ही, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालूंगा इस मंथ, ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल पर, तो उनको भी आप देखिए और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो जो जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। तो आप लोगों को बस वो करना है, और सबसे बड़ी बात बच्चों कि आप लोग ना चैनल को ना जब वीडियो देखते हो ना तो पूरी वीडियो देखा करो यार। आप थोड़ी वीडियो देखते हो, आप कम से कम उस चैनल आप थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, पीपीटी वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है बच्चों। ठीक है, तो आप उसको पूरा देखिए, आपको तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम करेंगे आज, चलिए। चलिए आगे स्क्रीन पर अब हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट -5,0,0, -48,0,5,-30। तो मैं अगर इन पॉइंट्स के ग्राफ की बात करूंगा ना, तो ग्राफ ना इन पॉइंट्स का कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इनका इस ग्राफ के आपको, और ये जो है ना पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कौन सा पॉलिनोमियल का, पी एक्स का, पी एक्स पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। तो आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन से होंगे। तो भाई मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको मैं जब 0 के बराबर करूंगा तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, और जब मैं इसको करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। इसको जब करूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी क्या, -30। ठीक है बच्चों, और देखिए जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 40 आएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला वाला चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 5 है क्या, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। ठीक है, हाँ एक्स की वैल्यू ये यहाँ पर 5 है, बट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 होगी वाई की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर -30 है, तो इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं होगा फर्स्ट। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसको देखेंगे, -30 को देखते हैं, तो -30 भी देख रहे हो, एक्स की वैल्यू नहीं है वाई की वैल्यू है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। -40 देखो, ये भी है वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो फिर ये भी नहीं होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू 8 यहाँ पर देखिए जरूर है और वाई की वैल्यू 0 है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये फैक्टर होगा पी एक्स का, क्लियर है, तो हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शोन बिलो इन इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और ये आपको दूसरी दोनों इक्वेशंस हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एम एंड एन, आपको वैल्यू निकालनी है एम और एन की, और जो अबव इक्वेशन है ना वो कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए तो आप जानते ही हो ना क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू, ये इसके कंडीशंस हैं, बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये इनफाइनाइटली के लिए होता है। ठीक है, तो रख लीजिए यहाँ पर, देखिए एक्स वाला टर्म है यहाँ पर, देखिए पहले ये थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ एक्स वाला इधर दे दिया, वाई वाला यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो देखिए एम यहाँ पर क्या है, ए वन है, और ए टू क्या है यहाँ पर, -12। ठीक है, बी वन क्या है, बी वन है यहाँ पर 4, और बी टू क्या है एन। ठीक है, सी वन क्या है, -6 और 12। अब इनफाइनेटली है तो सीधी सी बात है तीनों इक्वल आने चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 बन जाएगा। तो इसको -1/2 बनाने के लिए देखिए हम ऑप्शन से जाएंगे यहाँ पर, तो मैं अगर देखूंगा तो एन की वैल्यू मैं 2 रख नहीं सकता,
क्योंकि 2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 रखूंगा n की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 ना, तो कैंसिल हो जाएगा 2 ही रहेगा, लेकिन चाहिए माइनस 1 अपॉन 2, तो मैं ना m की वैल्यू यहाँ पर 6 रखूंगा। सारी वैल्यू रख देख सकते हैं हम लोग, यहाँ मैं m की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो माइनस 1 अपॉन 12 आएगा, 1 अपॉन 12, तो वो इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। माइनस 1 फिर से वही चीज, ये भी नहीं होगा। 6 की वैल्यू रखता हूँ तो हाँ ये 1 अपॉन 2 जरूर देगा माइनस का, लेकिन जब n की जगह पर मैं माइनस 2 रख दूंगा ना यहाँ पर, तो भी वो फिर माइनस 2 देगा, माइनस 1 अपॉन 2 नहीं देगा, तो इसलिए। लेकिन 8 रखूंगा यहाँ पर, यहाँ पे मैं n की जगह पर अगर 8 रख देता हूँ ना यहाँ, तो देखिए कैंसिल होके ये ना क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस 8 रखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अ टीचर आस्क थ्री स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अबव द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स तो जानते हैं आप लोग, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये तो करना पड़ता है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना पड़ता है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ a ये रहा, b ये रहा और c ये रहा, ठीक है, तो हमें ऑलरेडी ये यहाँ पर नेचर ऑफ रूट ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन 0, ये हमें नेचर ऑफ रूट का d का डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है मतलब इसका, ठीक है, और इन्होंने बताया है कि इस ग्रेटर देन 0 है, तो जैन ने आंसर किया है कि अगर मैं सिचुएशन देखूंगा तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अच्छा दूसरा विपुल कह रहा है कि अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर ना जो वैल्यूज हैं वो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन कब, लेकिन कब होगा पॉजिटिव, जब पी क्यू आर अगर पॉजिटिव होंगे तो, मतलब ये पी क्यू आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ऐसा कह रहा है। सुमन कह रही है कि ये नेगेटिव होगा, कब, जब ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे तीनों, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो मैं अगर मैं पहले बिपुल का आंसर चेक करता हूँ, तो अगर ये पॉजिटिव लेता हूँ मैं, मान लीजिए लोग ना पी क्यू और आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2, 3 और 4 ले लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, चेक कर लेते हैं इसमें रख के। तो भैया मैं 3 रखूंगा, 3 3 9 माइनस 4 2 8 2 16 है ना, देखो यही तो होगा, इस ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, तो देखिए 9 और ये हो जाएगा कितना 32, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है भाई आंसर, तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारा विपुल का तो आंसर, विपुल तो इसका मतलब आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव होने के बाद भी। तो अब इसके साथ जैन भी गलत हो गया, जैन बोल रहा है कि हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब फिर आंसर सुमन का ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप इनमें यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तीनों को भी, तीनों को नेगेटिव ले लो इनको, ठीक है, सॉरी इन तीनों को पॉजिटिव, सॉरी 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 पॉजिटिव ही लेना है, सॉरी पॉजिटिव बोला उसने, तो देखिए नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसलिए मतलब है सुमन बिल्कुल करेक्ट बोल रही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है सर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड 0, -4, 3, और देखिए सेंटर्ड पे -4, 3 है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इनर सर्कल टू दैट आउटर सर्कल इज 1:9, ठीक है, मतलब आपको इनर सर्कल का जो एरिया है, मतलब अब मैं बात कर लूँ a1 upon a2, इनर का मैंने a1 मान लिया, उसका मान लिया मैंने आउटर का a2 मान लिया, तो 1/9 दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे बोल रहा है ए बी लाइज ऑन बाउंड्रीज ऑफ द इनर सर्कल, इनर एंड आउटर सर्कल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहां पर कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये ए और बी जो है ना लाई कर रहे हैं दोनों इनर आउटर के सर्कल पर, बाउंड्रीज पे दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो आपको अगर पॉइंट बी 3, 5 है तो आपको बताना है कि ए का पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले ना क्या है भाई, हमें यहाँ पर दिख रहा है सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है, एक तरीके से सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ये की रहा, एक लाइन के दो टुकड़े हो रहे हैं और ये बीच वाला जो, ये वाला जो ए पॉइंट है ये क्या है हमारा, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं इसको, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन
पाई बड़ा आर स्क्वायर, भाई आउटर सर्कल है ना, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये जो बड़ा वाले का जो रेडियस है, मतलब बड़े वाले का रेडियस कहाँ होगा बताइए, ये यहां से यहां तक होना पूरा, तो ये कितना है 3, ठीक है, ये 3 है ना पूरा। और ये छोटे वाले का सर्कल, छोटे वाले का रेडियस कितना है, ये तो, ये तो 1 है हमारे पास, तो ये 1 है, तो बचा हुआ पूरा तो 3 है, लेकिन बचा हुआ यहां से यहां तक का रेडियस इसका कितना हो जाएगा, जो गैप है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 0 से a आपका जो रेशियो है वो 1 हो गया, और मतलब o से a सॉरी, और a से b आपको कितना हो गया 2। तो रेशियोज आपके मिल गए, m ये रहा, n ये रहा, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका x कॉमा y इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, कॉमा डिवाइड बाय टू, सॉरी सॉरी सॉरी, एम प्लस एन, ठीक है, ये कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो देखिए क्या होगा, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आंसर मेरे को यहीं से पता चल जाएगा। एम कितना है बताइए, 1, एक्स टू कितना है भाई, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, एक्स टू कितना है 3, प्लस एन कितना है 3, एक्स वन कितना है -4, ठीक है, और ये क्या है 1+2। तो भाई सीधी सी बात है, 3 तो आएगा नीचे, तो 3, लेकिन हमारे दो ऑप्शन में, डिनोमिनेटर में देखो आप 3 है, तो 3 तो दो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब और भी करना पड़ेगा, तो 3, ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, फोर थ्री जा 12, बट ये तो नहीं आ रहा है, एक मिनट, क्या गलती हुई है भाई, 3 है यहाँ पर, ठीक है, एक्स टू हमारा, एक्स वन है कितना -4, ठीक है, अरे सॉरी, मैंने ना एन को 2 लेना है, सॉरी एन को 2 लेना है, मैंने एम को क्या ले लिया, ये, ठीक है। चलिए देखें, 2 लेना है, 4 2 8, तो यहां पर 8 हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है, कितना हो गया माइनस का 5/3 आया ये, तो देखिए -5/3 कहाँ है, तो बी ऑप्शन। तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से ही क्या कर सकते हैं, इसको बीच में छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है देखिए, ये सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर वाइड रोड। ये देखिए वाइड रोड है ये जो है, ठीक है, एक मिनट, ये जो है ना 7 सेंटीमीटर वाइड रोड है, ठीक है, ये कितना बड़ा रोड है, 7 सेंटीमीटर वाइड रोड है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये 7 सेंटीमीटर वाइड रोड है, और ये यहां पर सोनाली खड़ी हुई है, ये क्या, कौन खड़ी हुई है, सोनाली, और ये ना इस पोल को क्या, यहां से जो सी वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, और यहां से खड़ी होगी ना, ये इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस बताना चाहती है, ठीक है, जो ये रोड के क्रॉस है उस तरफ, ठीक है, रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ है, ठीक है, एक यहां पर है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, ठीक है, बोल रहा है कि डी डी आपने निकालना है, डी डी निकालना है, बट वो कैसे निकालना है आपको, पी और आर की टर्म्स में निकालना है। तो देखो बच्चों, आप ये देख रहे हो कि ये एक अपने आप में यहां पर ट्राइंगल है, सीधा बता रहा हूं फालतू बात नहीं करके, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, देखो, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स आप जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल, और ये वाला एंगल जो है ना वो कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, सीधा सा हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ये जो है हमारा, इनको नाम दे लो अगर देना है तो, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो गए तो हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग इसको इस तरीके से सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर हो जाएंगे तो भाई कैसे कर देंगे हम लोग, इनको रेशियोज बराबर कर दो इनके, ठीक है। तो आपको देखिए यहां पर इक्वल इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल वाला, एक मिनट, इसको मैं ना नाम दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं नाम दे देता हूँ, देखिए
इसको मैंने ए पॉइंट दिया नाम, इसको मैंने बी पॉइंट दिया, इसको सी पॉइंट दिया, इसको डी पॉइंट दिया और इसको ई पॉइंट दिया, ठीक है, ये नाम दे लिए मैंने, क्लियर है। अब सुनो, इसको क्या करना है हमें, हाँ अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा, हाँ चलिए। अब ना हम लोग देख लेते हैं भाई, ये दोनों ट्राइंगल तो ठीक है, अब ना इनकी साइड्स ले लेते हैं। देखिए इन तीनों की साइड्स क्या है हमारे पास में, अगर मैं बात करूंगा तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, करस्पोंडिंग साइड्स सिमिलर में यही होता है, ए ई अपॉन ए डी, ठीक है, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और फिर हमारा ये थर्ड साइड बचा हुआ है क्या, बी ई अपॉन सी डी, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए ये हमारे पास तीनों हमने रेशियोज लिख लिए, अब देख लेते हैं भाई यहां पर ना इसका तो कोई काम है नहीं आई थिंक ए अपॉन ए डी का, क्योंकि यहां पर ना कोई भी मेजरमेंट इसके नहीं है, तो उन दोनों साइड्स का है तो दोनों साइड्स को ले लेते हैं। ए बी कितना है भाई, ए बी हमारे पास पी, हाँ तो ए सी हमारा हो जाएगा पी प्लस सेवन, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, और हमारा बी कितना है भाई, बी ही हमारा आर, और ये कितना है जो सी डी है वो तो डी है ही हमारे पास, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी प्लस सेवन आर अपॉन पी। देखिए ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल्स लग रहा है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको देखना है बस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अब इसमें देखो बोल रहा है शोन बिलो आर टू ट्राइंगल्स, ठीक है, शोन बिलो आर टू ट्राइंगल्स, नीचे दो ट्राइंगल दे रखे हैं, और देखिए यहाँ पर ना आपको ये इनके मेजरमेंट्स कुछ दे रखे हैं, ठीक है, ये मेजरमेंट दे रखे हैं, तो अब अपना इसको करना है, क्या करना है वो देखते हैं, करना है यहाँ पर अलॉन्ग विद द गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ दीज इज सफिशियंट टू कंक्लूड वेदर ट्राइंगल के एल एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास जो पीछे बने हुए हैं, ठीक है, ये हमारा के एल एम है और ये हमारा पी क्यू और आर है, ठीक है, इसका एक मिनट देख लेते हैं क्या था मेजरमेंट, हाँ के एल एम, तो भाई के एल आपको चार दे रखा है, एल एम तीन दे रखा है, पी क्यू आपको आठ दे रखा है और वो छह दे रखा है, के एल आपको चार और एम एल तीन, ठीक है, देखो के एल आपको चार और एम एल आपको तीन दे रखा है और पी क्यू आपको आठ दे रखा है और क्या दे रखा था, आर क्यू छह दे रखा है, ठीक है, ये आपके क्या है डायग्राम है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है कि अलोंग विद द गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हिच ऑफ दी सफिशिएंट टू कंक्लूड वेदर ट्रायंगल केएलएम इज सिमिलर टू ट्रायंगल, करने के लिए हमें मतलब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए इन दोनों में से क्या सही रहेगा, ठीक है, तो देखो भाई क्या और की जरूरत पड़ेगी, तो देखो एक अगर हमें एल एंगल मिल जाता है और यहां पर क्यू एंगल मिल जाता है ना, क्यू एंगल अगर मिल जाता है पी क्यू आर, ये QR6 है भाई यहाँ पर ना, ये इसीलिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, एक मिनट, हाँ चलो देखो QR कितना है यहाँ पर, ये QR यहाँ पर ये 6 नहीं है, QR6 है यहाँ पर, ठीक है, तो देखो ये एंगल और मिल जाता है, तो मतलब फिर हम तब भी हम साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर बोल सकते हैं ना, साइड एंगल साइड से अगर हमें ये चीज मिल जाती है फर्स्ट वाली तो भी हम सिमिलर बोल सकते हैं, है ना, ओके। अगर हमें के एम और इसका अगर हमें रेशियो मिल जाता है, इनकी अगर हमें जैसे इनके रेशियो दे रखे हैं आपको के एल और पी क्यू और इन सबके रेशियो गिवन है ना, आठ छह चार तीन,
तो अगर इस तरीके से इसके भी अगर हमें मिल जाते हैं थर्ड साइड के, तो भी हम SSS से कर सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन से हम लोग इनको सिमिलर कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर पी, ऑल लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये है आपको एक सेक्टर, सेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पी ई निकालना है आपको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी ई, पी ई निकालनी है आपको, ये वाली लेंथ निकालनी है आपको। कौन सी लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ जोड़ दीजिए आप इसको पहले तो। ठीक है, और एक ये आप यहाँ जोड़ दीजिए इसको, दोनों लाइंस जो हमने कनेक्ट की हुई है वो। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो रेडियस तो हमें भाई पूरा पता चल जाएगा कितना, 6 है। ठीक है, रेडियस 6 है, तो इसका मतलब PQ भी आपको पता चल जाएगा, ये जो PQ है ये भी आपको पता चल जाएगा कितना है, 6 है, क्योंकि सेक्टर है, सेक्टर के रेडियस बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें ना हम लोग सिमिलर, तो देखिए ये तो 9, अब ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ये दोनों क्या बन रहा है, ट्राइंगल। इनको नाम दे दीजिए यहाँ पर, इनको इसको M दे दीजिए यहाँ पर, इसको N दे दीजिए। ठीक है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। देखिए इसको M नाम दे दीजिए और इसको N नाम दे दीजिए। ठीक है, ये तो अगर मैं देखूंगा तो ट्राइंगल और यहाँ पर ये एंगल जो है ना, ये एंगल सेक्टर का ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है वो पी ई एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों से, क्योंकि ये 90-90 इक्वल और ये एंगल कॉमन, तो एंगल एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो अब देखेंगे इसमें भी हमें पी निकालना है, तो भाई इसके लिए काम की कौन सी चीजें हैं, ये वाली साइड तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, पी एम अपॉन पी एन। ठीक है, ये ले सकते हैं, और दूसरा इधर वाली साइड हमें पता है, पीई हमें पता नहीं लेकिन PQ हमें जरूर पता है। ठीक है, तो देखिए PM कितना है भाई, PM तो हम जानते हैं ना, 1, 2 और 3 है। ठीक है, PN, PN कितना है, PN हमारे पास 4 है। ठीक है, PE हमें पता नहीं और PQ हमें पता है 6 है। ठीक है, चलिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, 3 से इधर भेज देंगे तो 3 3 9 बाई 2, पी कितना आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा आपका, ये 2 तो नहीं होगा यहाँ पर, पी आ जाएगा आपका 4.5। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज ड्रॉन, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड अ सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसके बाहर 2 पॉइंट है, आउटसाइड द सर्कल 2 पॉइंट है, और उनसे ना ओनली 3 टेंजेंट्स जो है ड्रॉन हो रही है सर्कल पर, उन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज करके। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं अगर एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए, जैसे कि देखिए क्वेश्चन है ये, यहाँ डायग्राम बना देते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पर ना 2 पॉइंट है हमारे पास, देखिए एक तो पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, इस तरीके से जाएगी टेंजेंट ये। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है इस तरीके से। ठीक, और एक जो टेंजेंट है ना वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ जिससे कि टेंजेंट पास करा पाऊँ, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, देखो एक टेंजेंट यहां से जाएगी दोनों पॉइंट से पास करते हुए, ये जा रही टेंजेंट है। ठीक है, दूसरी टेंजेंट, एक तीसरी टेंजेंट यहां से जा सकती है, ये देखिए 3 टेंजेंट्स हो गई दोनों पॉइंट को यूज करके, यही बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, तो अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखो कौन सी सही होगी। तो देखो बोल रहा है ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब तीनों लेंथ में क्या इक्वल होंगी ये तीनों टेंजेंट्स, देख लेते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, और अगर मान लो ये 3 हुई है ना,
तो ये भी 3 होगी, सही बात है ना। ठीक है, तो ये टेंजेंट इक्वल तो नहीं हो पाएंगी फिर, तो ये भी 3 होगा और ये भी 2 होगा, है ना। तो देखो ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी और 6 हो जाएगी, तो तीनों टेंजेंट इक्वल नहीं हो सकती इस केस में, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दोनों जो पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं किसी एक टेंजेंट पर। ठीक है, फिर बोल रहा है थर्ड, द टेंजेंट एंड सर्कल हैव टू कॉमन पॉइंट इन टोटल। ठीक है, बोल रहा है कि टेंजेंट और जो सर्कल है उसमें दो कॉमन पॉइंट जो है वो टोटल में मतलब पॉइंट में दोनों के बीच में जो दो कॉमन पॉइंट है वो दोनों में टोटल है, मतलब कॉमन है। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि सर्कल और टेंजेंट के बीच में दो कॉमन पॉइंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, नहीं, एक ही एक पॉइंट है सर्कल के साथ तो। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है सच द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। वैसे इसका बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट लग रहा है मेरे को, कि बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, क्योंकि बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन टेंजेंट। भाई कर रहा है ना, देखो एक टेंजेंट में दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, हाँ, इसमें भी कर रहा है, एक टेंजेंट में, इसमें देखो कर रहा है ये। ठीक है, चले, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा है अगला क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शोन बिलो इज अ सर्कल विद थ्री टेंजेंट्स KQ, KP, LM, QL, और ये सब आपको गिवन है यहाँ पर। PM जो है ना, ये जो PM है वो हाफ दे रखा है KL के। तो देखिए QL कितना दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ 2, KL आपको क्या दे रखा है आपको 6। देखो भाई आपको ना जल्दी जल्दी करना होता है वहां पर, तो इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा MCQs में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा। तो देखिए ये 2 है, तो भाई ये टेंजेंट है ना LM, तो ये भी 2 होगा, सीधी सी बात है, है ना। और ये देखिए ये जो है आपकी, ये पूरी जो है ना टोटल जो टेंजेंट है आपकी, ये कितने की है, KQ की अगर मैं बात करूं। और हाँ एक चीज और, कहाँ गया, KL आपको 6 दे रखा है। ठीक है, और PM देखो हाफ ऑफ KL है, PM कितना है, हाफ ऑफ KL, और KL कितना है बताइए 6, तो PM भी हमारा 3 आ सकता है। हाँ भाई 3 आ गया। और ये देखिए ये वाली टेंजेंट और देखो ये वाली टेंजेंट दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल से आ रही हैं। तो ये टोटल इस वाली की टोटल जो है वो कितनी है, 8 है, तो ये भी तो 8 होगी ना। तो ये इतना 3 है, तो ये बचा हुआ 5 होगा ना, और ये इतना 3 है, तो इतना भी क्या होगा, 3 होगा, आया ना। ठीक है, तो देखिए अब इस ट्राइंगल को देख लो जरा, इस वाले ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये, इस क्योंकि हमें आपको इस वाले एंगल को निकालना है, KML को निकालना है आपको, LMK जो है मतलब M एंगल निकालना है। तो अब आप ये ट्रायंगल यहां बना देता हूं मैं इस तरीके से, तो आप देख रहे हो कि के ये एम है और ये यहां पर एल हो जाए। ठीक है, ये आपको 50 दे रखा है। ठीक है, और देखिए ये वाली साइड आपको कितनी दे रखी है, 5, और ये वाली भी साइड 5, और ये वाली साइड 6, तो दोनों साइड बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर, तो ये 50, तो ये भी 50, तो बचा हुआ कितना होगा बताओ, 80 तो होगा, है ना। बस ये आंसर हो गया आपका, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, सर्कल का क्वेश्चन था, सर्कल बेस्ड। अगला 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि इन द फिगर शोन बिलो, ठीक है, जो नीचे जो फिगर दे रखा है, लाइन ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस ये आपको क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, ऑल मेजरमेंट आर सेंटीमीटर, सारे मेजर जो है वो सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑफ साइन थीटा। तो देखो भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये 90, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, और ये कॉमन है। ठीक है, पैरेलल है तो भाई करस्पोंडिंगली ये इक्वल हो जाएगा ना, ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 होगा भाई, पैरेलल है दोनों लाइंस, तो करस्पोंडिंग की वजह से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, करस्पोंडिंग है इस वजह से। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल अब इस वाले ट्राइंगल में लगा लेता हूँ, मैं इस वाले ए ओ बी ट्राइंगल में देख लेता हूँ, मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। तो देखिए ये एंगल है, ये 90 हमारे पास, तो हमें पूछा किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है ना, कॉस थीटा, तो थीटा ये रहा, तो बेस होगा ये सी और हाइपोटेन्यूज होगा ये, तो सी अपॉन बी, ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला का सवाल, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों। अगला देखिए 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि द साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट ट्रायंगल इज 4/5। ठीक है, बोल रहा है कि जो साइन है ना, ठीक है साइन देखो जरा, राइट ट्रायंगल है इसमें साइन है तो थीटा यहां मान लेते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि जो रेशियो दे रखा है, साइन दे रखा है आपको, वो 4:5 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसके ये 3 होगा, है ना। तो अब देखिए आपसे बोल रहा है विच ऑफ दीज कुड मेजर ऑफ द फॉर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो भाई 3, 4, 5 तो आपको कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली आंसर नहीं होगा, तो इससे ही यहाँ पर जो सेटिस्फाई कर रहा हो वो आपका आंसर होगा। तो देखिए 4, 5 के साथ 9 तो आएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, और 4, 5 के साथ अगर ये आ रहा है 41, बिल्कुल आ सकता है, 4 का स्क्वायर प्लस ये आपका 5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट का 41 ही तो आएगा, ये हो सकता है। लेकिन रूट 41 निकालोगे तो भाई ये ना हाइपोटेन्यूज बनेगी, ये जो है ना हाइपोटेन्यूज का है, ये किसकी साइड है, ये कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अगर ये है तो अब ये छोटी तो नहीं हो सकती ना इनसे, क्योंकि रूट 41 तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर बी वाला। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 6, 8, 10 ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही साइड होंगे इसके मेजर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो उसके बाद 12th वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 12th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर सॉरी द मार्क्स ऑब्टेंड By a set of students in an examination are recorded in grouped frequency table. The maximum number of students are found to be range in this. ठीक है, देखो रेंज आपको इसमें मिल रही है सबसे ज्यादा 70 to 80 वाले में, 70 से 80 वाले में। तो if the number of students in ranges before and after 70-80 range are equal. ठीक है, मतलब 70 से जो 80 एक है इसके पहले वाले इसके बाद वाले ये यहाँ पर भी ranges equal है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो हम इसी से काम चला सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द डाटा, मोड निकालना है इसका, तो भाई इसके बीच में ही तो होगा, मोड जो है ना वो इसके अंदर ही तो आएगा, सीधी सी बात है 70-80 से बीच में ही तो आएगा, तो बीच में तो भाई एक ही आ सकता है ना 75 यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, दोनों का रेंज निकाल दो कितनी आ रही है, देखो इसकी ये 150 है डिवाइड बाई 2 75। ठीक है, 75 इज करेक्ट आंसर, और आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो ध्यान से, इस 13 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर आरओएसटी, देखो ये जो है ना आरओएसटी एक स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है ये तो 90 होगा, है ना, तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर हो। ठीक है, ये एक सेक्टर है, तो भाई ये रेडियस होगा और देखो ये भी रेडियस होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है अबव द इंफॉर्मेशन विच ऑफ दीज इज सफिशिएंट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर POQ। तो देखो अगर हमें, हम लोग ये एंगल तो बना ही सकते हैं ना, ये एंगल भाई 90 हमें पता ही है, बाकी का भी निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर आपसे बोल रहा है कि इसमें से इंफॉर्मेशन कौन सी जो है जो इसको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में मदद कर सकती है, वो हमें निकल पता नहीं है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, क्या ही निकलेगा उससे, कुछ नहीं निकल पाएगा, रेडियस आप निकाल नहीं पाओगे पूरा इससे। ठीक है, तो ये होगा नहीं, रेडियस ऑफ सेक्टर, ठीक है, रेडियस ऑफ सेक्टर POQ, ठीक है, POQ सेक्टर अगर हम रेडियस निकाल देते हैं, तो देखो रेडियस निकाल दोगे तो एंगल भी चाहिए होगा। ठीक है, एंगल हमारे पास यहाँ पर अभी है नहीं। ठीक है, अच्छा ओनली, और फिर जो है ना ये आपका रेडियस सेक्टर ऑफ POQ, ठीक है, POQ जो हमारा जो सेक्टर है इसका रेडियस निकाल देंगे तो रेडियस से भी काम नहीं चलेगा खाली से। ठीक है, और आर्क ऑफ लेंथ PQ की जो अगर हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है, PQ की अगर हमें लेंथ
लेंथ दे रखी है तो हम काम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि देखो लेंथ का फॉर्म, लेंथ के केस में फॉर्मूला हमारा ये होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हमें लेंथ दे रखी होगी तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस निकाल देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल हम यहाँ से बता ही सकते हैं, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट, तो भाई सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आपको लेंथ अगर पता है तो आप आर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि फिबोनाची सीक्वेंसेस इज अ पैटर्न इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू नंबर्स, ठीक है। बोल रहा है कि एक सीक्वेंस है जिसमें कि हर जो नंबर, अगला जो नंबर है ना वो पीछे के दो नंबर को जोड़ के आ रहा है। तो देखो भाई कैसे, जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं जीरो और वन, ठीक है, जीरो, जीरो में वन प्लस किया तभी तो वन आया, और जीरो और वन को प्लस करेंगे तो भी क्या आ रहा है, वन, और वन और वन को, इन दोनों वन को जोड़ रहा हूं तो देखो टू आ रहा है, ठीक है, और वन और टू को जोड़ रहा हूं तो थ्री आ रहा है, थ्री और टू को जोड़ रहा हूं तो फाइव आ रहा है, फाइव और थ्री को जोड़ रहा हूं तो एट आ रहा है। देखो ऐसे पीछे के दो नंबरों को जोड़ के आगे वाला एक नंबर बन रहा है। तो शोन इन, शोन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंसेस इन यूनिट स्क्वायर ग्रिड, द टर्म्स रिप्रेजेंटेड द साइड ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ आपको गिवन है, वो दिखा देते हैं, देखिए ये रहा, ये आपको गिवन है, बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। तो देखो भाई ये सेक्टर है शेडेड वाला, ठीक है, शेडेड सेक्टर, तो यहाँ पे ना रेडियस गिन लो आप जरा, देखो इन बॉक्सेस को गिन लो सीधा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये इसका रेडियस, तो रेडियस आपस में परपेंडिकुलर है ये यहाँ पर, ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 1/4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला लग जाएगा, 1/4 पाई की वैल्यू में छोड़ना है तो ठीक है, आर कितना है 8, ठीक है, 4 2 8 16 पाई, ठीक है, 16 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है 15th वाला, ठीक है, देखिए 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये सॉलिड है जिसमें कि ऊपर स्फीयर है और नीचे सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सॉलिड है इसमें ऊपर स्फीयर है और नीचे सिलेंडर है। तो देखो इसमें बोल रहा है कि हेमिस्फेयर जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये, और हेमिस्फेयर है वो इक्वल रेडियस है दोनों का, देखो दिख भी रहा होगा आपको फिगर में, दोनों के आर आर रेडियस है। बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, अगर हम लोग इसकी बात करें हेमिस्फेयर के ऊपर की, तो इसका तो सी ए से निकलेगा, क्या होगा 2πr² प्लस, ठीक है, सिलेंडर की बात करूंगा मैं तो इसका भी सी एस ए प्लस एंड का ये जो बॉटम है इसका 2πrh प्लस πr², तो ये तो पूरे सॉलिड का क्या हो गया, टी एस हो गया, ये ध्यान रखना, ये पूरे सॉलिड का टी एस हो गया, ठीक है, टी एस हो गया किसका, पूरे सॉलिड का, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ये, टी एस ए ऑफ स्फीयर के, ठीक है। तो देखो स्फीयर का क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास 4πr², ठीक है, आपसे बोल रहा है कि स्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड, मतलब अभी जो इसका रेडियस है उससे ट्वाइस होगा स्फीयर का रेडियस, तो मतलब आर कितना होगा 2r के बराबर होगा, क्योंकि अभी तो आर है ना हमारे पास, तो 2r हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर कॉमन आ रहा है पाई और आर, तो अंदर क्या बच रहा है 2r प्लस 2h प्लस r, ये तो बच रहा है, इज इक्वल्स टू यहां पर 4 पाई और r की जगह 2r रखूंगा तो 4r² हो जाएगा, पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक r से r भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जरा इसको प्लस कर लो, 3r प्लस 2h इज इक्वल्स टू ये कितना है 16r, ठीक है, क्लियर है। अब इसको यहां ले जाइए, आर को लाइक टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए 16r माइनस 3r कितना होगा 13r होगा, और h से डिवाइड दे दो इसको तो कितना आएगा बताओ 6.5r नहीं आएगा, तो हाइट हमारी पता चल गई ना हमें कितनी, बी ऑप्शन 6.r 6.5r,
क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आया होगा आई होप। अगला सवाल हमारा बेटा 16 क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से, है ना। देखो 16 क्वेश्चन में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशंस। इसको ना सॉल्व कर लो, इसको भाई साइन कॉस मत ब्रेक कर लो फटाफट से। देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसेक, सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे इस कॉसेक है इसको लिख दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, और हाँ इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन कॉस बचा ना, तो वो किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर। तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बोल रहा है द हाइट ऑफ प्लांट्स इन दीप्ति गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो, द मीडियन प्लांट हाइट इज 55 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको मीडियन गिवन है और इसमें ना आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट दे रखे हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो भाई ये ना पूरी तरीके से आपको वही मीडियन वाले तरीके से करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, देखिए यहाँ पर ना टेबल बना देता हूँ। देखिए H से हम लोग हाइट को देख लेते हैं और यहाँ F फ्रीक्वेंसी होगा तो प्लांट को देख लेंगे। तो देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, है ना, इससे ज़्यादा तो है नहीं। चलो उसके बाद क्या है हमारा 2X है, फिर हमारा 4 है, फिर 4x है, फिर हम लोग 8 है हमारे पास, फिर जो है लास्ट 4 है। उसके बाद इसका cf भी फाइंड कर लीजिए क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इज 2x, 2x प्लस 4, और ये हो जाएगा 6x प्लस 4, और ये हो जाएगा कितना 6x प्लस 12, और ये हो जाएगा 6x प्लस 16, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला नंबर होता है आप जानते हो कि ये होता है क्या, सी एफ मतलब एन, सी एफ का लास्ट नंबर एन का सम होता है, ठीक है भाई, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है। तो ये एन हमें गिवन है कितना, ये, और देखिए एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, एफ हो जाएगा हमारा 8, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 8 हो जाएगा एफ। उसके सामने से ऊपर वाला ये जो है ना हमारा, ये क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सी एफ, और ये यहाँ पर ये हो जाएगी लोअर लिमिट मतलब एल, ठीक है। और हाइट आप H तो पता ही है क्लास साइज वो कितना है 20। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, मीडियन का फॉर्मूले, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है L प्लस N बाई 2 माइनस सी एफ होल डिवाइड बाई F इंटू एच। तो मीडियन आपको दे रखा है कितना 55, ठीक है। L हमें पता है कितना 60, प्लस N कितना है, N हमारे पास 6x प्लस 16 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 6x प्लस 4, ठीक है, होल डिवाइड बाई 8 क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है 8 हमारे पास, इंटू एच कितना है 20, ठीक है। 60 को यहाँ ले आओ तो माइनस का 5 बचेगा, 55 से 60 जाएगा तो माइनस 5 ही बचेगा, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 4 फाइव ज़ा 20, और देखिए 2 से भी ये कैंसिल दोनों, कितना हो जाएगा 3x प्लस 8 माइनस 6x माइनस 4, और ये डिवाइड में 2, ठीक है, इंटू 5। देखो 5 से 5 कैंसिल माइनस 1 और 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, ये कितना है भाई 6, 3x माइनस 6x माइनस का 3x, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। 4 को यहाँ ले आइए, माइनस का 6 बच रहा है, ठीक है, माइनस का 6, और ये हो रहा है यहाँ पर माइनस का 3x, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, एक्स की वैल्यू हो गई कितनी 2। तो आपका कौन सा क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्लियर है, चलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बाउल, बाउल है जिसमें कि पता है 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, एक बाउल है।
है जिसमें थ्री रेड बॉल्स हैं और टू ब्लू बॉल्स बताओ कितनी हो गई, फाइव हो गई ना। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड सी मेक टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल्स इज ग्रेटर देन। ठीक है, देखो ग्रेटर देन द पिकिंग, जो हमने रेड बॉल से जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनी वो कितनी बनी पहले तो ये बताओ, वो 3/5 बनी है ना, कितनी बनी है 3/5। मैं इसको अगर पॉइंट में निकालता हूँ तो 0.6 बन रही है ये। ठीक है, ये रेड बॉल से, तो अब इसमें क्या चेंजेस करें जिससे कि ग्रेटर जो है ना वो आ जाए हमारा। ठीक है, तो क्या चेंजेस इसमें से हो सकते हैं, तो अगर मैं रेड मार्बल बढ़ा दूं, इसमें एक रेड मार्बल बढ़ा दूं तो कितनी रेड मार्बल हो जाएंगी बताओ, चार हो जाएंगी ना, और टोटल आउट स्पेस कितना हो जाएगा, छह हो जाएंगी टोटल, तो 4/6 बनेगा। अब 4/6 देख लो कितना होता है, 2/3। ठीक है, तो 0.66 ये आंसर आएगा इसका, 0.7, तो मतलब इससे तो बड़ा ही आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि इससे बड़ा आ रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, बड़ा आ रहा है। फिर रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, ठीक है, रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, अगर मैं ब्लू मार्बल को रिमूव कर देता हूं, तो रिमूव कर दूंगा तो एक ही ब्लू मार्बल रह जाएगी, तो इसका मतलब टोटल भी चार रह जाएंगे, और ब्लू मार्बल हटा देंगे तो कितना ब्लू मार्बल का रह जाएगा यहाँ पर, ब्लू मार्बल अगर मैं हटाऊंगा, रिमूव कर दूंगा तो इतना रह जाएगा। ठीक है, तो फिर ब्लू मार्बल अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो एक ही रह जाएगी, है ना, एक 1/4, तो भैया ये कितना होता है, ये तो 2 कुछ होगा, ठीक है, 0.2 कुछ, तो ये तो छोटा हो गया, तो इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा, सेकंड नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, फिर थर्ड बोल रहा है कि एडिंग अर वन रेड एंड वन ब्लू, तो मैं अगर एक रेड और ब्लू बढ़ा देता हूँ तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, 7 हो जाएंगे, और ठीक है रेड और ब्लू दोनों बढ़ जाते हैं तो, ठीक है, तो फिर भाई कितना हो जाएगा, फिर अगर हम लोग रेड का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, रेड का अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर से वापस से वो हो जाएगा क्या, 4, और 4 जो है वो क्या है, 4 हो जाएगा तो ये, ठीक है, 4 ही तो हो जाएंगी, 3 रेड है तो 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए 7 से इसको करते हैं तो 0.5, इससे भी छोटा आ रहा है ना, इससे भी छोटा आ रहा है क्या। ठीक है, तो अब ये देखो इससे क्या हो रहा है, 0. क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, अब तो हमारा 0.5 आ रहा है, तो इससे छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये दोनों से ही बढ़ रहा है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ भी देखिए आप 0.7 हो रहा था। ठीक है, ये अगर हम लोग ब्लू मार्बल हटा देते हैं तो कितना था, हाँ ब्लू मार्बल अगर हटाते हैं तो ब्लू मार्बल जब हटाएंगे तो टोटल ये कितना रह जाएगा रेड का, रेड का तो सॉरी ये हमने यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है, ये 3 रह जाएगा ना, 3/4, हाँ तो 0.7 आएगा यहाँ पर, तो ये इससे भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ही आपके ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों से बढ़ रहा है, उससे घट रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस आ रहे थे इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है असम्पशन रीजन का, कि टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो वन लेवन, ये असम्पशन क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है टू इज अ प्राइम नंबर, टू एक प्राइम नंबर है क्या, हाँ भाई असम्पशन रीजन में जानते हैं कि असम्पशन को अलग पढ़ना है, रीजन को अलग पढ़ना है, रीजन क्या उसके लिए सही बात बोल रहा है या अपनी अपनी कुछ ही गा रहा है। ठीक है, तो असम्पशन देखो भाई पहले तो ये चेक कर लो असम्पशन रीजन दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही तो चेक कर पाएंगे। तो देखो टू इज अ प्राइम नंबर, हाँ भाई बिल्कुल प्राइम नंबर है टू, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, इरेशनल नंबर अगर हम देखेंगे 2√3 देख लेता हूँ, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है तो देखिए क्या है, इसका स्क्वायर कर दूं मैं तो क्या आएगा बताइए, 12 आएगा ना, तो 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसलिए ये आपका रीजन गलत हो गया, तो ए ट्रू आर फॉल्स, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज का, देखिए ये अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 20, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो वन लेवल आंसर असम्पशन एंड अदर लेवल रीजन। ठीक है, ये तो ठीक है, असम्पशन दे रखे हैं, इसमें बोल रहा है कि द ओरिजिन इज ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंस 2.3 -2.3, ठीक है, और ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग
-2, -2, ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो देखिए देखिए इसमें थोड़ा सा बना लेते हैं ग्राफ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1, 2 और 3, 3 3 3 रख दो से काम चल जाएगा, -1, -2 और -3, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर 1, 2, ठीक है, और 3, ठीक। अच्छा थोड़ा सा नीचे और कर लो इसको, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये अब देखो जरा, अब इधर भी बना लेते हैं -1, -2 और -3। तो देखो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, पहला वाला जो ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूं, तो 2, 3 कहाँ होगा भाई? 2, 3 यहाँ होगा ना, इस जगह पर, है ना, यही तो होगा। और दूसरा 2, 3 कहाँ होगा? -2, 3, वो यहाँ होगा। ये देखिए यही तो होंगे ऑप्शन, ये और ये डिस्टेंस ये, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, तो देखो ये ना क्या ओरिजिन जो है वो इक्विडिस्टेंस पर है। हाँ भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बट ये ओनली नहीं है, समझ रहे हो, मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ यही दो पॉइंट यहाँ पे इक्विडिस्टेंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे और पीछे वाले पॉइंट ले लूंगा तो वो भी इक्विडिस्टेंस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर ए फॉल्स हो गया। तो भाई जब ए फॉल्स हो गया तो आर को चेक करने की आपको वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ए आपका फॉल्स हो गया, ए या आर अगर कुछ भी फॉल्स हो जाते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है कुछ भी चेक करने की, और आप डायरेक्टली ना डी आंसर लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ए फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन हम खत्म करते हैं। ये एमसीक्यूज थे, आगे इसके बचे हुए जो पार्ट है हमारे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के बी एंड सी पार्ट जो हमारे बचे हुए हैं, बाकी का पेपर प्रैक्टिस सेट हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, जय हिंद बच्चों।